तो स्वागत है आप लोग का एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम लोग फटाफट ऊपर हॉल में थे और अभी नीचे आए हैं। हम थे, करण था और ऋषि था। तो नीचे आए, दुर्गेश फ़ोन किया था कि आओ नीचे, वो काम है बहुत इम्पोर्टेंट। और इम्पोर्टेंट काम ये है कि जा रहे हैं तीनों के मड़वावे, आज देखेगा ब्लॉग में आप, हम मतलब हम आपको दिखाएंगे तीनों के आज जिंदा मुड़ी कटवा देंगे। सही में चलो 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 यानी आप तो जा रहे हैं अभी हम लोग निकले हैं। दुर्गेश चलेगा, आ रहा आ गया। तो आज हम लोग तीन गो के मुड़ी कटवाई भाई, तीन गो के आज मुड़ी कटवाना है। किसका मुड़ी कटवाना है ब्लॉग में बने रहिएगा और तब ना आप लोग को पता चलेगा क्या है नहीं है। तो अभी हम लोग बुलेट के पास आए हैं, बुलेट से ही हम लोग जाने वाले हैं। अभी इसका सीकर उकर खोलेंगे, ताला मौसा कम चाबी है, यहीं चाबी रात को लगा दिए थे यहीं पे, तो चाबी मौसा के ही रहता है पास में और यहीं मौसा का घर है, तो यहीं अपना घर है तो यहीं गेट पर ही लगा जाता है। हमारा घर में नहीं घुसता है, कभी कभी लग जाता है गली में गाड़ी, बट हमेशा यहीं लगता है। तो ताला चाबी आ रहा है और खुलेगा तो निकलने टाइम मिलते हैं आप लोगों से क्या। तो रामू सीकर खोल रहा है और सीकर ऊकर खोल के ठीक से खुलाओ ना रे। तो फाइनली सीकर खुल गया और हम अब लेकर चलेंगे मुड़ी कटवाने तीन गो के। तो चलिए चलते हैं। बस अब बंद कर दे। बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब गाड़ी स्टार्ट हो गया, अब वहाँ पर अब हम लोग सब गाड़ी पर बैठने जा रहे हैं ना। चलो दुर्गेश, चलो ऋषि आ ना बैठो। तू कैसे लेगा तो वो कैसे वो जी रहेगा आए तो चल ना तो बैठ। तो हम लोग निकल चुके हैं, ऋषि जा रहा है वहाँ। तो हम लोग निकल चुके हैं तीन गो के मुड़ी कटवाने के लिए। उधर देखा, उधर कलुआ के कलुआ इसको हम लोग देख सकते हैं। सब तो जा रहे हैं हाँ देख सकते हैं, टॉप मारेगा इंटर में। फिर कॉल कर इंटर में टॉप मारने वाला लड़का है ही जाएगा। अच्छे जैसे रहते राम भरोसे तो चलवे कर है, मैट्रिक को भी राम भरोसे हले 99 यहाँ आ गया 99 प्लस है तो बिहार बोर्ड पर केस कर दिए, केस कर दे भाई। हाँ 90 प्लस आ जाए तो हमारे बार तो 80% अलू 81% 401 नंबर 400 तू अभी पास हो जाए कम ना हो तो ये लड़का जो है ना इस बार फर्स्ट डिवीजन आएगा, कोई नहीं रोक सकता कल्लू तुम्हारा। सही में कोई नहीं रोकतो तो ठीक हो जाते हो कोई तीन गो के मुड़ी कटवावे। चलते हैं अब, चल जो अपन दुकान उकान संभाल ना, कहीं ऑनलाइन अगर पैसा आवे अपने आप नहीं चल ना कॉल कर लेंगे। तो ठीक है चलते हैं हम लोग, रे पकड़ो अब हो गया गाड़ी ऑन, बाय बाय ऋषि। चलिए चलते हैं हम लोग। मनीष भैया, अरे तेरी के मनीष भैया राजे कौची करी था, कौची करी था जैते वो तीन गो के मुड़ी कटवावे। तीन गो हम सब आ तीन गो के मुड़ी कटवावे जा रहा हुआ है, कटवा दे भी जी तू ब्लॉगवा में तू देखिए ना। नहीं मुड़ी छिलवा नहीं, मुड़ी काटते जा रहे हैं। हाँ आबा लेट होते हैं,
नहीं जी मुड़ी कटवावे जा रहे हैं तीन गो के। सही बात में देखिएगा पता चल जाएगा किसका मुड़ी। अच्छा चलिए चलते हैं। तो हम लोग रोड पे निकल चुके हैं घूमने। यही पट्टी लगा दो ना। आ गए मुड़ी कटवाने तीन गो का। तो हम लोग यहीं पे तीन गो की मुड़ी कटवाएंगे। तो चलिए इसका मुड़ी हम लोग कटवा देते हैं और हम लोग चलते हैं बैंक के पास। बैंक खुला है कि बंद है वो पता करना है। तो चलिए बैंक के पास पहले चलते हैं। हम लोग निकल गए हैं बैंक देखने खुला है कि बंद है क्या है। तो हम लोग निकल गए अभी बैंक जा रहे हैं ताकि देखना है अभी कि खुला हुआ है बैंक बंद है आज क्या। शनिवार है ना इसीलिए कुछ बैंक से हम लोग का काम है। अंकल बोले हैं कि बैंक को भी देखना है कि खुला हुआ है कि नहीं। चौराहा पे हमेशा जाम रहता है बहुत जाम है बहुत जाम। यह बैंक बंद है। बैंक बंद है अब चलते हैं। अब हम लोग को वापस जाना पड़ेगा वहीं। सिर्फ देखने आए थे बैंक से कुछ काम था खुला हुआ रहता था कुछ काम करते हैं। तो हम लोग वहाँ पे तीन गो की मुड़ी कटवा दिए हैं आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग निकल गए हैं तीन गो के लाश ले लिए इसको में और हम बैठ गए पीछे और करण चला रहा है गाड़ी। इधर से कहाँ चलेगा? तो यहाँ से हम लोग गोविंदपुर की ओर निकल चुके हैं। तो चलिए गोविंदपुर चलते हैं। इसको बढ़िया से पकड़ना। इसको तीन गो के लाश एक में है और यहाँ पे मार है कि नहीं है कि नहीं बात सही है तब। तो चलिए गोविंदपुर आप लोगों से मिलते हैं हम लोग। तो हम लोग गोविंदपुर पहुंच गए हैं। बहुत नज़दीक पड़ता है महारानी चौक से गोविंदपुर। एकदम सीधा रास्ता है। तो गोविंदपुर में क्या क्या लेना है नहीं लेना है सब कुछ लेकर हम मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी हम लोग तो तोराई लिए हैं और ये तीन गो के लाश तो अभी इसको में है ये है। और प्याज हम लोग को प्याज लेना अभी बाकी है। संस्कार बोर्डिंग स्कूल से ले बगल में तो संस्कार बोर्डिंग स्कूल के बगल में एक दुकान है वहीं से हम लोग प्याज लेंगे। तो चलिए वहीं पे चलते हैं आप लोगों से मिलते हैं। बने रहिए ब्लॉग में मज़ा आएगा खूब। और तो यहाँ पे दुकान है बंद है तो प्याज प्याज लेना है कि नहीं चलो निचली भैया नहीं जी चलो ना घर चलो ना इन्हें मट्टा चढ़ाएगा नहीं ना नहीं। तो हम लोग प्याज नहीं ले रहे हैं आप लोग देखें कि वहाँ पे दुकान बंद था। तो चलिए प्याज हम लोग नहीं लेंगे डायरेक्ट घर चलते हैं। तो हम लोग यहाँ गली में पहुँच गए हैं। गाड़ी यहाँ छहुरा में लगा दिए क्योंकि वहाँ धूप था। तो अभी हम लोग घर में जा रहे हैं एंटर कर रहे हैं अपना हॉल में मतलब रूम में। तो आते हैं करण जरा 10-20 मिनट बाद। तो अभी कुछ काम चल रहा है वहाँ पे पापा बैठ के कुछ प्याज व्याज काट रहे हैं। तो अभी हम बैठ कर ऐसी बेड पर चार्ज उज लगा कर एडिट कर रहे थे और ये रम्मू लेके आ गया था। ये जो हम मुड़ी कटवाए थे उसी को लेकर आ गया था। बोला कि बेसन में लपेट दो और उसको छान उन के खाएंगे तेल में। और उधर तो बन ही रहा है अपना कढ़ाई में। उधर हम नहीं जा रहे हैं
क्या जाएंगे 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 पहले इसको करते हैं एक करके मिलते हैं आप लोगों से किचन में। इधर हम लोग अपना छान रहे हैं, उधर मुर्गा वाला बन रहा है हुआ उन्हें रखा है एंड इसको पर हम लोग अपना छानेंगे एक से छाई टाई तेल गर्म हो गया इसको मैं 4-5 को डाल ले हैं। चलिए तो चलिए हम लोग डालते हैं इधर लाल लाल हो गया बस उसको सही करो। इधर है तो इधर एक बार पहला बार में तो इतना निकल चुका है, दूसरा बार में डाले हैं। मौसा उधर कर रहे हैं अपना मुर्गा वाला। मौसा आप कैसा बनेगा मुर्गा? एक नंबर बनेगा, एक नंबर बनेगा खाली। अच्छा मौसा वो हरा हरा मुर्गा वा का है ओ हरा मिर्चा ओकरा में डाल तो वो कख नहीं डालिएगा उतना बच नहीं है इतना डाल जला गया हो गया ना। अच्छा ये पहले से सीझल है ओ इधर देखिए मौसा अभी होगा ये अभी होगा तो ठीक है मिलते हैं सबको बना उना के अगल का रूम में क्या मौसा। तो हम लोग किचन में ही बैठे हुए हैं बैठ कर खा रहे हैं ये वाला रूम में हम लोग नहीं गए क्योंकि पापा वापा रूम में हैं यही बैठ के खा रहे हैं। इधर छौंक रहे हैं एक में रख के खा रहे हैं। रूम में कौन जाएगा हो ऐसा से लेके ओजा एगो बैग हो पानी रहो प्यास लगल है ओजा है ये है गिलास पीने का गिलास उठाना है चुपचाप वजह जाना है पानी भर लेना है उसको मैं खाने का पीने का सब कुछ लेना यही तो खा के लग रहे हैं जखने से आया जखने से खा ही रहा हम छाने में है से ही खाए में है ऐसे हम भी खा रहे हैं ऐसे में बात नहीं है कि हम नहीं खा रहे हम सीधा हम भी खा रहे हैं। इधर देखिए ये सबको खाओ कर ये सब उसको खाओ कर मिलते हैं आप लोगों से तब तक बाय बाय। तो अभी अभी शाम हो गया और हम लोग शाम को छत पे आए हैं ऐसे घूमने टहलने। आप लोग को तो बोले ही थे उस टाइम मुर्गा उर्गा खा के खाना उना खा लिए और उदय अंकल उसे ये सब मुखिया उखिया जी आए थे वो लोग चले गए। तो हम में हैं आदित्य है और दुर्गेश है यहीं अपन अपना छत पे आए हैं अभी 10-15 मिनट पहले हुआ है। तो हम नीचे थोड़ा सा चल गए थे मोबाइल चार्ज में लगा के क्योंकि आप लोग को तो पता है कि मेरा मोबाइल नहीं चार्ज रहता है। तो ठीक है ये ब्लॉग पे ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इधर बतिया रहा है सब देख रहा था खड़ा होकर यहीं से अपन अपन एथी से आई डिस्टर्ब कर रहा है उसको नहीं तो चलो बतियाओ बतियाओ मम्मी के साथ थी अभी गिरता ईंटवा तो नीचे कोई माथा पर गिरता हम घर तो ठीक है ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल क्या रहता है कल नहीं रहता है वो तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो टाटा बाय बाय।